Hi everyone, this is SK Mishra from Kids Art Club, your teacher, and today we are going to try out how to draw, you know, a very cute kite. Okay, so the kite patang kaise banayenge we thoda alag tarah ka aaj hum log sikhenge. Iske liye main scale ka use karunga, bada sa kite jo ki ek fish shape mein dena chahta hu, machli jaisa. Aur थोड़ा ऐसे एंगल में काइट है, ऊपर उड़ रहा है, ऐसा इस तरह से लगे टेढ़ा, तो मैं वही ट्राई करूंगा. बड़ा सा आई विल बी ट्राइंग अ बिट इन बिगर इन साइज. ये एक स्ट्रेट लाइन, इधर भी एक स्ट्रेट लाइन, थोड़ा सा एंगल लाइक दिस. ये जितना लेंथ, ये भी लगभग उतना ही लेंथ है, तो ज़्यादा अच्छा होता है. अब ये एंगल और ये एंगल मैं एक ही जैसा रखूँगा, ट्राई करूँगा. ये जो एंगल है इतना ही टेढ़ा ये, और थोड़ा सा लंबा ये, इससे ज़्यादा लंबा. और इधर भी सेम, ये जो एंगल है ये देखिए कैसे करना पड़ता है. ये एंगल को मैं धीरे धीरे ऐसे घसकाऊंगा ताकि स्केल टेढ़ा ना हो. और ये अब इसको मैं जोड़ दूंगा लाइक दिस. पूंछ को मैं थोड़ा और बड़ा करना चाहता हूँ, इतना लंबा, ताकि स्पेस को मैं प्रॉपर यूटिलाइज कर पाऊँ. थोड़ा और एक्सटेंड इसको करता हूँ ये. अब ये फिश जैसा कैसा लगेगा? फिश के लिए मैं क्या करूँगा, या तो इधर से ऐसा राउंड, ये ज़्यादा अच्छा है राउंड शेप, ऐसा हल्का सा कर्व लाइन, ये फिश का पूंछ ऐसा, ये फिश का पूंछ, फिश का फिन भी यहाँ बना सकते हैं कुछ इस तरह का, आपको जैसा अच्छा लगता है कुछ इस तरह का फिन, मुझे अच्छा लगता है ये. और ये पतंग का एक डिज़ाइन भी हो गया, कुछ बड़ा कुछ छोटा इस तरह का पतंग का डिज़ाइन. बड़ा सा आई एक फिश का बड़ा सा मैं आई बनाऊंगा, एक ओवल शेप जैसा. आप चाहो तो सर्कल भी कर सकते हो टैकल का मदद से, ये हो गया आई. डबल लाइन आप चाहो तो कर सकते हो इस तरह का, ताकि आप कलर्स और भर सको इसमें बहुत ही केयरफुल. और ये आई का बॉल, आई बॉल इस तरह का. अब यहाँ ना लाइट पड़ रहा है आई पे, कुछ इस तरह का मैं वाइट छोड़ने वाला हूँ यहाँ पे. ओके, आप चाहो तो इसे बहुत कलरफुल भी कर सकते हो इस तरह का. मैं एक और लाइन खींच दिया ताकि मैं यहाँ पूरा ब्लैक भर सकूँ, और ऊपर कोई एक दूसरा कलर. आप चाहो तो पूरा में ब्लैक भर सकते हो लाइक दिस. ड्राइंग को थोड़ा केयरफुली करना होता है इस तरह का. अब इसका मुंह, लिप, ये जगह बड़ा मुँह, प्लेन लिप, क्यूट सा ऐसा लिप हो गया है ना, फिश जैसा. अब ये बड़ा खूबसूरत काइट बन गया. अब चाहो तो सब पूंछ भी बना सकते हो लाइक दिस, यू नो, डबल पूंछ जो होता है कुछ इस तरह का ऐसा, ताकि आप और इसमें इंटरेस्टिंग कलर भर सको, काइट जैसा भी फील हो और पूंछ जैसा भी फील हो. सो दैट्स इट, वेरी इजी. नाउ लेट्स कलर इट. इसको मल्टी कलर भी कर सकते हैं, जैसे ये जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से हम लोग इसको कलरफुल भी कर सकते हैं. फिश का फेस छोड़ के बाकी मैं ये सेंटर लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ, यहाँ पे भी बाई कलर इस तरह का, और यहाँ पे भी मैं बाई कलर कर सकता हूँ इस तरह का, ये बाई कलर. अब हम लोग कलर स्टार्ट करते हैं. हो सकता है मैं यहाँ पे भी एक बड़ा अलग सा कलर कर दूँ जो देखने में अच्छा लगे इस तरह का, वाटर ड्रॉप जैसा. कलरफुल बनाने के लिए थोड़ा स्पेस को डिवाइड करना ज़रूरी होता है. That's it. Now let's begin colors. Thank you.
Thank you.